Welcome to my channel. I am Nisha Jindal. So today we will continue the chapter eleven, the human eye and the colorful world chapter. So we have done uh, with the structure of the human eye, and we have done the explanation of that uh, in this video. In this part number two, we will do the power of accommodation. So what is power of accommodation? Let's see. सो आई हैव रिटर्न हेयर वॉट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है आईलेंस की कितनी एबिलिटी है कितना मतलब वो कर सकता है कितना फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है एट अ पॉइंट पर तो फिर हम उसको क्या कहेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन आई लेंस की कितनी एबिलिटी uh, है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की उसी को हम क्या बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन अब हमें पता है कि जो आईलैंड्स है वो किसका बना होता है एक फाइब्रस और एक जेली लाइक मटीरियल होता है आईलैंड्स ओके okay? सो so, आइलैंड किसका बना होता है इट्स अ कम्पोज ऑफ फाइब्रस एंड जेली लाइक मटीरियल ओके हम उसके कर्विचर जो उसका कर्वेचर होता है हम उसको जितना मर्जी लेके जा सकते हैं जितना मज़े मॉडिफाई कर रहे वो कौन एक्सटेंड करता है उसके सिल्यूरी मसल्स वो एक्सटेंड कौन करता है सिल्यरी मसल्स ये बात ध्यान रखनी है तो जितना भी हम उसे मॉडिफाई करते रहें तो सब वो कौन करेगा सिलरी मसल्स तो क्या होता है जैसे ही हम आइलैंड्स का कर्वेचर एडजस्ट करते हैं चेंज करते हैं तो उससे जब जैसे ही हम आइलैंड्स का कर्वेचर चेंज करते हैं उससे हमारी क्या चेंज होती है फोकल लेंथ चेंज हो जाती है वो हमारी फोकल लेंथ को चेंज कर देता है जैसे ही आइलैंड्स का हम कर्वेचर को चेंज करते हैं आई मीन दैट एडजस्ट करते हैं उसे कभी बढ़ाते हैं तो फिर वो क्या होता है उसे उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है अब क्या होगा अब एक फंडा है आई लेंस का और मसल्स का सिलरी मसल्स का अब जैसे ही सिलरी मसल्स रिलैक्सड होते हैं जैसे ही सिलरी मसल्स रिलैक्सड होते हैं तो लेंस क्या हो जाता है पतला हो जाता है, है. है, तो है थिन हो जाता है जैसे ही सिलरी मसल्स रिलैक्सड हो जाते हैं तब हमारा लेंस क्या हो जाता है थिन हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है फोकल लेंथ कॉट इंक्रीज ओके फोकल लेंथ इंक्रीज होगी ओके ये बात याद रखनी है कि फोकल लेंथ इंक्रीज होगी जैसे हम सिलरी मसल्स को जैसे सिलरी मसल्स रिलैक्सड हो जाती हैं और क्या होता है लेंस क्या हो जाता है थिन हो जाता है उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा फोकल लेंथ है वो क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली क्या कर सकते हैं देख सकते हैं ओके नाउ अंडरस्टैंड अब क्या होगा जैसे आप ऑब्जेक्ट्स को अब क्या होगा जैसे आप ऑब्जेक्ट्स को अगर पास वाली चीजें देख रहे हो सपोज यू आर रीडिंग द बुक नियर टू द क्लोज़र टू योर आइज ओके तो अब सिलरी मसल्स क्या हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं सिलरी मसल्स अब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी इससे क्या होगा हमारे करवेचर ऑफ द आईलैंड इंक्रीज होगा यहाँ पे बात याद रखनी है कि फोकल लेंथ इंक्रीज़ नहीं होगी यहाँ पे हम आपका जो करवेचर है आईलैंड्स का वो इंक्रीज़ होगा और आईलैंडस जो है वो क्या होगा आई लेंस क्या हो जाएगा थिकर हो जाएगा उस केस में जब आप ऑब्जेक्ट्स दूर देख रहे थे तब हमारा आई लेंस क्या हो रहा था थिन हो रहा था पर इस केस में जो हमारा आई लेंस है वो थिकर हो जाएगा जैसे ही हम पास में ऑब्जेक्ट्स देखेंगे ओके okay? तो ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है और यहां पे जो फोकल लेंथ आई लेंस की वो क्या होगी डिक्रीज होगी नॉट इंक्रीज इंक्रीज विल इन द केस ऑफ द वेन यू आर सींग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स But you, when you are seeing the closer objects near to the, your eyes, then the focal length got decrease. Okay? Focal length of lens got decrease. Then we are able to see the objects. Okay? So I will write on the blackboard so that you can understand it and you can write on your copy as your notes. Okay? Actually, this is not a blackboard. This is a whiteboard. But, who is this backside? मैं लिख देती हूँ आपको ब्लैक सॉरी वाइट बोर्ड पर नाउ यू कैन राइट दीज पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक एज़ विच यू हैव डन ओके सो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अगर आपको दूर वाले ऑब्जेक्ट्स दिखने हैं उसके लिए क्या होगा पावर ऑफ अकोमिडेशन उसके लिए कैसे होगा जैसे मसल्स हैं वो रिलैक्सड हो जाएंगे आईलैंड है वो थिन हो जाएगा पतला हो जाएगा और फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड करवेचर ऑफ द आईलैंड हैं जो करवेचर आईलैंड का वो क्या हो जाएगा डीक्रीज़ हो जाएगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लोजर ऑब्जेक्ट्स अगर आपको पास वाले ऑब्जेक्ट्स अच्छे से देखने हैं तो उसके लिए क्या होगा हमारे जो सिल्यरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आई लेंस क्या हो जाएगा थिक हो जाएगा मोटा हो जाएगा और फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड करवेचर ऑफ द आई लेंस कॉट इंक्रीज लेट्स डू नेक्स्ट नाउ यू कैन टेक ओके आपको अब पता चल गया होगा कि वॉट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन द एबिलिटी ऑफ द आई लेंड्स टूट जस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन अब जो फोकल लेंथ होती है उसकी भी एक लिमिट होती है कि वो इतनी डीक्रीज नहीं होगी ओके okay. अब जो फोकल लेंथ होती है उसकी एक लिमिट होती है वो कितनी इतनी इतनी भी डिक्रीज नहीं होगी अब ट्राई करो अब आप बुक लो और अपने बिल्कुल पास पढ़ के देख देख के पढ़ के देखो तो क्या होगा जो आपकी इमेजेस है वो ब्लड दिखेंगी आपको ब्लड दिखने लगेगा और आपके स्ट्रेन होने लगेगा या राइट सो इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं कि इतनी दूरी पे हम देख सकते हैं इसे हम एक नियर पॉइंट ऑफ द आई भी बोलते हैं अगर अब आपको क्लियर देखना है ना तो उसके लिए आपको ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर की दूरी रखनी पड़ेगी अपने पास so, में। सो जो आपका मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें आप देख सकते हो दैट इज़ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो उसी चीज़ को अब हम क्या बोलते हैं द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन ओके विदाउट इंस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन दैट वी कॉल्ड एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ़ डिस्टिंक्ट विजन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ योर आई ओके जिस पॉइंट पे जिस मिनिमम डिस्टेंस पे हम उसे देख सकते हैं दैट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ओके और जिस पॉइंट पे हम मिनिमम डिस्टेंस पे ईजीली देख सकते हैं बिना स्ट्रेन आए उसे हम क्या बोलेंगे नियर पॉइंट ऑफ द आई और द क्या बोलेंगे लेस डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन सो दिस इज योर मेन पॉइंट नाउ वी विल सी कि अब फोकल लेंथ की एक इंक्रीज़ वाली भी लिमिट होगी जैसे डिक्रीज़ वाले की लिमिट है तो इंक्रीज वालों की भी लिमिट होगी लेट सी अब जो अगर मैं बात कहूँ ड फोकल लेंथ की जो डिक्रीज़ की लिमिट थी वो तो लिमिट थी अब अगर हम इंक्रीज की बात करें कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हम कहाँ तक से देख सकते हैं वो जो है वो उसकी लिमिट नहीं है एक्चुअली में उसकी लिमिट नहीं है उसको हम इन्फिनीटी तक देख सकते हैं जहाँ मर्जी तक देख सकते हैं जितना मर्जी तक देख सकते हैं ओके okay. नॉर्मल so, आई के लिए जो डिस्टिंग uh, विजन है डिस्टेंट uh, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए तो वो है इंफिनी अब क्या होगा अब हम इसे कैसे बोलेंगे द फादेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एक पूरा दूर वाला पॉइंट जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ द आई ओके अब आपको समझ में आ रहा है तो जो हमारा क्लोजर देखने वाला होगा उसे हम बोलेंगे नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड जो दूर वाला देखना होगा हम उसे क्या बोलेंगे फार पॉइंट ऑफ द आई ओके द फादर्स पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फा पॉइंट ऑफ द आई द और जो हमारा फार पॉइंट है वो कौन सा कितना है इंफिनिटी नॉर्मल आई के लिए ओके okay, तो आपको ये नोट करना है एक नॉर्मल आई के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं वो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर के बीच और इन्फिनी के बीच देख सकते हैं ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर से ही के बीच तक हम देख सकते हैं हमारा जो बिल्कुल शॉर्टर जो हम पॉइंट कहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होगा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर से और एंड कहाँ तक चलेगा इन्फिनिटी तक नाउ ओके सो देयर पावर ऑफ अकोमिडेशन आपका ऑलमोस्ट डन हो चुका है अब आपका एक लास्ट टॉपिक छोटा सा एक बच्चा है दैट इज़ कैटरैक्ट वट डू यू मीन बाई कैटरैक्ट अब क्या होता है ओल्ड एज लोगों के इल्मे जो बूढ़े लोग होते हैं है ना तो उनके लिए जब उनके आइज़ में ख़राब हो जाती है तो क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट द ओल्ड एज बिकम्स मिल्की जब वो मिल्की हो जाते हैं और क्लाउडी से धुंधला से हो जाते हैं उनको दिखाई नहीं देता और उनकी धुंधला हो जाता है उसे उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कैट्रैक्ट जब उन्हें धुंधला सा दिखाई देता है या yeah, राइट right? और मिल्की सा थोड़ा वाइट और धुंधला सा दिखाई देता है आ, वो हमारा कब होता है ओल्ड एज में आके तो इसी को हम क्या बोलते हैं कैटरैक्ट द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट द ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट और इसके लिए या तो uh, क्या होता है सर्जरी होती है कैटरैक्ट सर्जरी होती है ओके okay. क्योंकि इसमें क्या होता है हमारी कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाती है हम पूरी देख ही नहीं पाते तो इससे क्या होता है हमारे कैटरेक्ट सर्जरी होती है जब हम बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाने लग जाता है तो यहाँ पे इस स्टेज पर आने पे तो क्या होता है कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है ओके okay? और ये सिर्फ ओल्ड एज के पीपल में आने आने के वक्त होता है यंग एज में ऐसा कुछ नहीं होता आईसाइट वीक होती है ओनली जस्ट ओके सो so, मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ वैसे तो आपका ये जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है बट जिन बच्चों को ये करना भी है मतलब डिलीटड uh, पोर्शन भी करना है दे कैन ऑल्सो डू दिस दैट्स वाई हैव जस्ट मेड दिस ओके इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ सो दैट जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा नॉलेज डिलीटेड पोर्शन की भी लेनी है सो दे कैन टेक फ्रॉम माई वीडियो ओके तो इफ़ेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं तब लिए स्टे सेव। तो यहां तक हम अपना चैप्टर वो एंड करते हैं सो हेयर यू वी हैव डन दिस एंड ऑन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शन ओके बिफोर दिस यू हैव टू रीड दिस केयरफुली एंड जस्ट कंसनट्रेट ऑन योर स्टडीज एंड रीड रीड थॉरली टू योर चैप्टर एंड रीड ऑल्सो वर्ड टू वर्ड From your chapter, okay. So, okay, bye bye. Do subscribe, like, share to my channel. Okay, stay safe. Bye bye.